फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराग और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक लंदन का पार्क, जिससे आपके आपको पता चलेगा कि लंदन के पार्क किस तरह से दिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो आज मैं आपको पार्क दिखाने वाला हूं वो है पार्किंग पार्क, जो कि ईस्ट लंदन के अंदर है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो पार्क है वो 1898 में बना हुआ था, जबकि हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो गाइस, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ इंग्लैंड के या फिर लंदन के पार्क के बारे में। सिर्फ लंदन के अंदर 3000 पार्क हैं इस तरह के, जो कि पूरे लंदन का 18% एरिया कवर करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्विरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और ज़्यादातर लोग जो पार्क में घूमने आते हैं इन लोगों को फीड भी करते हैं, तो अगर यहाँ पर आते हैं तो आप इन लोगों को कुछ ना कुछ नट्स वगैरह फीड कर सकते हैं। इस पार्क के अंदर एक छोटा लेक भी है, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको डक्स, स्वान्स वगैरह दिखाई देंगे। और सिर्फ इसी पार्क में नहीं, लंदन के ज़्यादातर पार्क में इस तरह के आपको बर्ड्स वगैरह देख सकते हैं, जो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी सारे पेड़ों के पत्ते एकदम येलो कलर के हो चुके हैं, क्योंकि यूके में अक्टूबर से फॉल सीजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगभग नवंबर तक चलता है। इस ड्यूरेशन में ये सारे पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं, इनकी पत्तियां येलो और ज़्यादातर रेड दिखती हैं। तो गाइस, बीच बीच में यहाँ पर कई सारे जगह पे बेंचेस होते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे बैठकर थोड़ा आराम करना है या फिर आप नेचर को बहुत क्लोजली देखना चाहते हैं तो बहुत इजीली यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। और काफ़ी सारे आपको इस तरह के यहाँ पे पार्क में बेंचेस मिलते हैं। जो यहाँ पे आप ये ट्रीज़ देख रहे हैं, स्पेशली जो क्रिसमस ट्रीज़ हैं, ये शायद बहुत 100 साल पुराने भी हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। बहुत ही पुराने ट्रीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पार्क्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पर आप इजीली वॉक कर सकते हो, काफ़ी किलोमीटर्स में फैले हुए होते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली रोज़ फ्लावर्स यहाँ पे, रोज़ के जो बशेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी शायद यहाँ पे सीज़न नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम फ्लावर्स आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जब रोज़ का सीज़न होता है तो बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई है कि सिर्फ आपको जो पत्ते होते हैं ऑटम के, उसके अलावा आपको कुछ भी कचरा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स भी, गेम्स भी सिखाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ही लाइक करते हैं, और पार्क्स में, इस तरह के पार्क्स में अक्सर वो यहाँ पे खेलने के लिए अपने बच्चों के साथ आते हैं।
गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।